अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप लोग सबको कुकिंग मैग में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ वाइट कढ़ाई। लाजमी बात है, ईद आ रही है और ईद के लिए डेफिनेटली हम लोगों को दावतें वगैरह करनी होती हैं, तो सोचा जाता है कि भाई क्या चीज़ बनाएं। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं अपनी रेसिपी से बनाती हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें फिर चलते हैं फ्लेम की तरफ। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने देखें जो है इसमें ऑयल डाल दिया है आधा कप, ठीक है। और जो है अब इसमें मैं डाल रही हूँ, ये मेरे पास जो है देखिए चंद जो है दालचीनी है, सॉरी चंद इलायची है, छोटी इलायची तीन, और तकरीबन चार या पांच जो है ना वो आप ले लीजिए काली मिर्च, ठीक। और ये दो अदद जो है मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको हल्का सा हम चलाएँगे, बस देखें ये हो गई तकरीबन। अब इसके अंदर जो है मैंने हरी मिर्च तकरीबन काट के रखी थी, ये तकरीबन एक टीस्पून के करीब होगी, ये भी मैंने डाल दी। सही। और साथ ही इसमें हम दो चम्मच जो है वो डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। घर के हमने डालने हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। बस अब इसको हल्का सा हम चलाएंगे। बस ये देखिए तकरीबन प्याज का कलर चेंज हुआ जा रहा है, थोड़ा सा और हो जाए उसके बाद जो है हम इसके मज़ीद इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या डालना है। ये जब तक हो रहा है एक चीज़ मैं और आपको दिखा दूं कि ये देखें, ये मैंने जो है आपको अगर नज़र आ रहा हो 1 टेबल स्पून धनिया लिया है साबुत, और 1 हाफ टेबल स्पून जो है मैंने ज़ीरा लिया है, सॉरी ये 1 टेबल स्पून है और ये 1/2 टेबल स्पून है ज़ीरा, राइट। अब इसको हमने कुछ नहीं करना है, बिल्कुल हल्की सी आंच पे ना मैं ऐसे रख के इसको, जब तक ये हमारा प्याज हो रहा है हमने हल्का सा इसको सिर्फ रोस्ट करना है ना। बस इसको मैं रोस्ट करूँगी, उसके बाद मैं इसको जो है मिक्सर में डाल के जो है ग्राइंड कर लूँगी। चलें देखें ये जब तक प्याज हो रहा है इसमें ऐसा है कि मैंने 1 कप देखें ये लिया है दही, ठीक है। इसमें मैंने वो जो आपको बताया था ज़ीरा और धनिया उसको मिला के मैंने पीस नहीं लिया था बल्कि मैंने एक तरीके से समझे थोड़ा मोटा मोटा सा देखिए कुटा हुआ सा रखा है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल 1 टीस्पून काली मिर्च, मैंने काली मिर्च पहले नहीं डाली है इसलिए मैं 1 टीस्पून डालूँगी। ये देखिए ये 1 टीस्पून मैंने डाल दिए खाली, और ये जो है वाइट पेपर जो है मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है, और 1/2 टीस्पून जो है वो मैं इसमें भी डाल रही हूँ क्योंकि अगर थोड़ा सा करारा सा टेस्ट ना आए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अब मैं इसको जो है अच्छी तरह से जो है फेंट लूँगी, ये देखिए अच्छी तरह से इसको फेंट के, और बस ये तकरीबन हो ही जा रही है। फिर मैं इसमें इसको डालूँगी, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। चलिए जनाब अब इसमें मैं डालूँगी सॉल्ट,
अच्छा साल्ट मैं तो तकरीबन जो है एक टेबल स्पून डालूँगी, बाकी ये है कि जैसे आपको पसंद हो, इस पे पसंद आपकी कि आपको कितना पसंद है तो आप उस हिसाब से डालिएगा, क्योंकि बास टाइम ऐसा होता है कुछ साल्ट जो है तेज़ भी होते हैं, वो थोड़े ही यूज़ होते हैं, ज़्यादा नहीं यूज़ किए जाते। इसका कलर तकरीबन चेंज बिल्कुल हो गया है, अब बस इसमें जो है हम दही को शामिल कर देंगे। ये मैंने आपके सामने जो दही में ब्लैक पेपर और वाइट पेपर, इसके अलावा जो है धनिया पाउडर था और इसमें ज़ीरा, ये सब मैंने मिला के डाला था, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब बस हम इसको अच्छी तरह से जो है भूनेंगे, थोड़ा सा भून के इसको फिर अगला इसमें प्रोसेस दिखाती हूँ आपको कि क्या करना है। अब ये देखिए मैंने दही डाल के इसको ज़रा थोड़ा सा चलाया है, बस अब इसमें जो है आखिरी ये इंग्रेडिएंट जा रहा है, उसके बाद फिर हम इसको ग्रीन चिलीज एंड अदरक से जो है गार्निश करेंगे। ये तकरीबन जो है ना हाफ कप मैंने क्रीम ली है। अच्छा क्रीम जो है ना ये मैंने तो वो मतलब बाज़ार वाली ली है, लेकिन बिलफर्ज़ अगर आपके पास ये ना मौजूद हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डालें। बस अब मैं इसको हल्का सा भूनूंगी डाल के, देखें, और मैंने थोड़ा सी देखें आँच भी जो है ना चूल्हे की जो हीट है उसको स्लो कर दिया है फ्लेम इसका ना, ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया हुआ है। बस इसको ज़्यादा फिर अब नहीं पकाया जाएगा, हार्डली 5 से 10 मिनट जो है इसको दम लिया जाएगा। अच्छा मैंने यहाँ पे इसमें वो नहीं डाला, क्या कहते हैं नारियल का डेसिकेटेड नारियल होता है, थोड़ा सा वो डाल दिया जाता है जैसे, तो उससे ज़रा तो अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, बट मैंने नहीं डाला है क्योंकि मुझे कोई ख़ास उसमें वो नहीं लगती। क्रीम के बाद बस जो है ये लगता है कि सब हो गया है, राइट। बस इसको अब तकरीबन 5 से 10 मिनट हमने दम देना है। इसमें मैं ग्रीन चिलीज भी आपके सामने देखें डाले दे रही हूँ, और ये देखें और थोड़ी सी जो है ना अदरक भी मैं आपके सामने इसमें डाल रही हूँ, और उसके बाद बस हम इसको दम देते हैं, फिर मैं आपको इसको 5 से 10 मिनट में इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगी, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। चलें जी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें अब जो है ना इसमें ऑयल ऊपर आने लगा है। बस अब हमने इसमें कुछ नहीं करना है, अब हमने इसमें एक लीमू लेके, असल में मेरे पास लीमू छोटे छोटे हैं तो मैं तकरीबन 1.5 लीमू ले रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून जो है ना इसमें जो है इसका रस जाना चाहिए, बस ये देखें। आजकल पतनी लीमू बड़े ख़राब से मिले हैं भाई, मुझे तो इतने अच्छे नहीं मिले, छोटे छोटे मिले। तकरीबन बस 1 टेबल स्पून के करीब आप इतना डालें, मैं अंदाजे से डाल दूँगी क्योंकि इसको पहले से मैंने जो है वो निचोड़ के नहीं रखा था, तो उनका था आपके सामने ही मैं डाल दूँगी, सही है। बस ये हो गया, अब बस इसमें मैं जो है ये डाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला मेरा तो भाई होममेड है, मैं इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी भी आपको दूंगी, और बस ये रेडी हो गया है। अब मैं इसको जो है ना फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, और सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे, उसके बाद मैं जो है इसको डिश आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब इसकी फाइनल लुक आ गई, इसको देखिए आप, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे स्पेशली तौर पर। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।